आप सभी को मेरा नमस्कार जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं वेरीड बैकग्राउंड से हैं उनका स्वागत करता हूं मैं और हमारे जो भी भाई बहन बैठे हुए हैं कलीग्स उनका भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आनंद जी ने बताया कि ये एक मोमेंट एक सेलिब्रेट करने का है जहां पे कि हम काफ़ी कुछ प्रोग्रेसिव किया है राजस्थान ने और अगर ढाका जी की हम की स्पीच को सुने तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को पैनल में रह गया है बट जहाँ पे हमने इतना कुछ अचीव किया है तो उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें अब कुछ उन चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए कि, कि कुछ एक हिंड्रेंस रह गए होंगे कुछ एक ग्लिच रह गए होंगे हो सकता है हम कुछ और ज़्यादा अचीव कर सकते या फ्यूचर में अब हमें कहाँ तक जाना है आज की डेट में राजस्थान 14 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है राजस्थान पहला स्टेट है जो 10 गीगावाट को क्रॉस किया मार्च में पिछले कुछ महीने में और उसके बाद अभी हम नंबर वन पे हैं विद 14 गीगावाट इंस्टॉलेशंस जो कि बहुत अच्छी बात है इसके लिए मैं आर को बधाई देता हूँ वाकई उनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे साथ एक पैनलिस्ट में मनीष जी हैं अगर हम गुजरात की बात करें इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से आज इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड है उनका आईपीओ आया बीएससी एसएमई में उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं ये बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं बट इन अचीवमेंट्स के साथ मैं पहला सवाल जो है आ, सुनीत सर से ही पूछूंगा आर आर ई सी एल से कि चौदह गीगा वॉट का हमारा इंस्टॉलेशन और हमारी अभी देखें तो एक ई वी पॉलिसी भी बहुत ही प्रोग्रेसिव आई है आ, सोलर पॉलिसी आई थी उन सबको भी ध्यान में हमने रखा मैं बस आ, या अभी जो ढाका सर ने भी जो जो चीज़ें बताई कि भाई हम ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम कर रहे हैं आ, सारी चीज़ें मेरा सवाल आपसे ये है एज अ आर आर ई सी एल बहुत अच्छा एफर्ट रहा मैं आर आर ई सी एल का भी एक आ, प्लस बताता हूँ आर आर ई सी एल का प्रॉफिट पिछले जो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें पिछले से इस साल का जो है फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट बढ़ा बिफोर टैक्स तो यह ये, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसीलिए भाई देखिए सर ने बोला कि डिस्कॉम और आ, आ, अदर आ, जो आ, बिजली की जो भी कंपनीज हैं उनसे आरआरसीएल में लोग आना पसंद करते क्योंकि वो फ्यूचर है अब आरआरसीएल का हमने प्रॉफिट देखा हमने राजस्थान में काम भी देखा मेरा सवाल सुनीत जी से ये है क्या हम इसको एज अ एज आई स्टेट होलिस्टिक ग्रोथ देखें इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग को क्या सपोर्ट मिल रहा है क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और यहां के जो ईपीसी प्लेयर्स हैं जो काम करने वाले हैं उन सबकी ग्रोथ को लेके या फिर डिस्कॉम को चीप पावर मिलना ले लें या फिर आर पी का मीट होना कहें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम उस ग्रोथ को देखें कि भाई हम चौदह गीगा पर पहुँचे हैं तो आप किस उससे देखते हैं इसको यादव जी और सभी उपस्थित पैनलिस्ट और सारे श्रोतागण जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज जो अभी यादव जी ने एक बड़ा ही अच्छा और वाकई ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट भी है कि हमें सही बात है कि आज हम इतने ऊंचे उस पर आ गए हैं राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने सोलर में 14 गीगावाट से ऊपर का इंस्टॉलेशन अभी अचीव कर लिए हैं और टोटल आरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर देन 19 गीगा वाट्स हज़ बिन इंस्टॉल्ड सड़ना और स्पेसिफिकली रूफटॉप की बात करते हैं तो 800 मेगावाट से ऊपर अभी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं बट ये बात सही है आपने सही कहा कि हर चीज़ में ये सब हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और जैसा अभी डाका साहब ने भी अपने एड्रेस में ये चीज़ बताई कि फर्स्ट को अचीव कर लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट दैट इज़ टू बी मेंटेन्ड। क्योंकि एक बार जब हम फर्स्ट पे आ जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए जो अपनी कोशिश है वो आई थिंक बड़ी सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए नहीं तो अदरवाइज वो फर्स्ट रैंक गिरते भी देर नहीं लगती है तो इसमें मेरा एक ये कहना है यादव जी आपको आपने चूंकि स्पेसिफिक एक क्वेश्चन किया है और सस्टेनेबिलिटी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसमें हम लोग वी आर ऑल ए टीम वर्क बेसिकली इसमें देखिए खाली आर का भी कोई रोल नहीं है ठीक है आर अपना जो काम कर रही है वो एज ए स्टेट नोडल एजेंसी एंड बेसिकली इट इज़ वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर टू ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो आर वर्किंग इन दिस फील्ड ऑफ़ रीन्यूएबल एनर्जी अब वो चाहे उसमें डिसकॉम हो उसमें चाहे डेवलपर्स हों मैनुफेक्चरर्स हों या और इंटीग्रेटर्स हों तो वो सभी लोग इसके अंदर ऐसा नहीं है उन सभी के लिए आर आर एस सी जो है बेसिकली एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है आपके कोई भी इशूज़ होते हैं सारे या और भी किसी चीज़ में आपको कोई समस्या आती है जैसे अभी डाका साहब ने भी अपने वैसे तो डाका साहब ने सारी चीज़ें उसमें अपने एड्रेस में कवर कर दी और आई थिंक uh, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए जैसे अभी कुसुम स्कीम के लिए उन्होंने बताया बेसिकली हम लोगों ने उसके लिए भी जैसे अभी एक प्रयास ये था कि भाई चूंकि फाइनेंस की समस्या आ रही है तो उनको सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमने डिस्कशन करा के और उनका कोई ना कोई नतीजा इस तरीके का निकाला जिससे कि बैंकर्स ने भी बिना कोलेट्रल 70 परसेंट तक फाइनेंस करने की उन्होंने एग्री करा और ये उसी का नतीजा है कि हम आज देख रहे हैं कि बत्तीस फार्मर्स ने उन्होंने अपने अड़तालीस मेगावाट के जो प्लांट्स लगाए हैं दैट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तो बात ऐसा नहीं है ये बात जरूर है कि ये चीज़ें आजकल अब फ्रीक्वेंट जरूरी हो गई हैं मतलब आपको ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए इसमें इतना फास्ट ग्रोइंग फील्ड हो गया है ये कि जैसे हम आज ये देख रहे हैं कि हर रोज इसमें कोई नया इशू आ जाता है हर रोज़ इसमें एक नया इशू है और हर किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी आ जाती है जो हम लोग पहले दिन नहीं उसको फोर्स ही कर रहे हैं और अगले दिन हमें देखना होता है कि वो चीज़ आज हमें फेस करनी है तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंट डिस्कशंस या फ्रीक्वेंट हमें जो एक मतलब सब लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर और हमें उसको कॉमनली डील करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में तो इसके लिए मैं आर की तरफ से बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि भाई हम लोग पूरी कोशिश रहती है हमारी कि भाई हाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आप लोगों की है तो हम लोग उसको पूरा फैसिलिटेट कर पाएँ उसको एड्रेस कर पाने की पूरी कोशिश आर आर की तरफ से रहेगी दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स में चाहे आप मैंने बताया जैसा कि डेवलपर्स हों मैन्युफैक्चरर्स हों और जो अपने जितने भी वेंडर्स हैं डिफरेंट जो कॉमनली उस चीज़ को जैसे रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का ही है तो इस तरीके के सारे इश्यूज उसको हम लोग डील कर ही रहे हैं और आई थिंक ये अब सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ जी थैंक यू सर थैंक यू आ, बहुत अच्छा आपका जवाब लगा और थैंक्स आपने बोला कि हम हर जगह और आपको आर आर को हम, हम हमेशा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं शायद इसीलिए आज हम जहाँ पे है राजस्थान वहाँ तक पहुँचे हैं फिर भी फिर भी हम एक चीज़ देखते हैं राजस्थान में कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे देखिए राजस्थान 14 गीगावाट तक पहुँचा है और अगर पोटेंशियल देखें तो 140 गीगावाट है राजस्थान का तो अभी हमें अभी हमने सिर्फ 10 परसेंट किया है जैसे कि अभी सर ने बोला कि भाई सस्टेनेबिलिटी को हमें ध्यान में रखना है और कुछ उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जिन जो हमें अगर हम फोरसी अभी नहीं करते हैं तो बाद में हमें वो चीज़ें दिखती हैं भाई हमारे वो वो डिस्ट्रिक्स वो एरियाज थे जहाँ पे किसानों की लैंड की आ, कीमत वो नहीं थी हमारा अच्छी कुदरत की कृपा है कि भाई इरेडियंस अच्छा मिल रहा है और डेवलपर्स आ रहे हैं तो वो किसानों को वो एक फ़ायदा मिला अच्छी बात है लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो हमें लॉन्ग टर्म में वो फोर सी करके चलना है कि मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स मैक्सिमम जो राजस्थान के लोग हैं चाहे Uh, कोई एमएसएमई हो चाहे कोई ईपीसी uh, हो चाहे जो भी हो उनको क्या फायदा मिल सकता है उन सब चीजों को ध्यान में रखें अब देखिए जब हम मैन्युफैक्चर uh, की बात कर रहे हैं तो uh, अगर सोलर uh, इक्विपमेंट्स uh, की बात करें तो राजस्थान में आईएनए के अलावा कोई नहीं है मेरा सवाल मनीष जी से ये है उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की 200 मेगावाट है अभी एक्सपेंड कर रहे हैं और 500 मेगावाट मेरा सवाल मनीष जी से ये कि आप सबसे पहले तो कांग्रेस की आप यहाँ तक पहुँचे और हम राजस्थान को बहुत गर्व है कि आप यहाँ पे हैं क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज या उन चीजों की कमी ऐसी आपको दिखी कि भाई अगर आप यहाँ की जगह कहीं और कुछ करते कुछ होते तो आप किसी और स्टेज पे पहुँच सकते थे हेलो गुड मॉर्निंग जयपुर मेरे को बड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है सवेरे सवेरे मेरे को पता है सारे के सारे हम लोग सोलर एनर्जी में काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को जो सूरज के साथ रह के ज़्यादा आता है ए में मज़ा नहीं आता लोगों को <प्रिक्णाटा> तो मेरे को लग रहा है एसी की आदत नहीं है इसलिए लोगों को थोड़ी सुस्ती लग रही है मेरे को लगता है जोश थोड़ा सा होना चाहिए सारे सोलर बिजनेस में हम लोगों को बाहर रहने की आदत होती है धूप में रहने की आदत होती है तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा ई e की तरफ से ई e ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आज ये सब लोगों को यहाँ बुलाया आर को आर की पूरी टीम को और जयपुर के सारे एंटरप्रेन्योर्स को चाहे वो डेवलपर्स हैं चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं या आई हैं सभी लोग हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई दो नहीं है कि राजस्थान ने सन 2010 में जब जे में मिशन शुरुआत हुई थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे उस समय अगर आप लोगों को आइडिया हो उस समय उस समय की यूपीए सरकार ने 20 गीगावाट का टारगेट रखा था 2010 से 2020 तक का 10 साल का और उस 20 गीगावाट के शुरुआती टारगेट में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा अचीवमेंट किया था हम लोग भी उसका पार्ट बने थे हम लोगों की बिजनेस जर्नी भी सोलर की हम लोग दूसरे बिजनेस में थे पहले तो हमारी सोलर बिजनेस की भी स्टार्ट उसी एक जी मिशन का हिस्सा की शुरुआत में हुई थी आर में हमने अपना सोलर पावर प्लांट लगाया था बीकानेर में तो उस समय राजस्थान सबसे कह सकते हैं अग्रणी था और शुरुआती टाइम में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इंडिया के अंदर आज जो सोलर या रिन्यूएबल रिवोल्यूशन है उसको आगे लेके जाने में और उसको एक पार्ट बनने में इसमें कोई दोराय नहीं है कि आज हम सोलर पावर जनरेशन में तो काफ़ी आगे पहुंच गए 14 गीगावाट या आज 19 गीगावाट या 40 गीगावाट की हम बात कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग उतना आगे नहीं हो पाए डेफिनेटली आज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के एक आंकड़ों की और डाटाज की बात करें तो करंटली हमारे देश के अंदर लगभग 16000 प्लस मेगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि मार्च 2023 तक लगभग 30000 मेगावाट हो जाएगी और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लगभग 3000 मेगावाट है जो कि अगले साल के एंड तक लगभग 11 से 12000 मेगावाट हो जाएगी हमारी बहुत सारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे जो सर्कल के लोग हैं डेफिनेटली अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं हम लोग भी उसमें पार्ट हैं अभी हमारी कैपेसिटी 200 मेगावाट है जो कि हम बढ़ा के सात मेगावाट कर रहे हैं 500 मेगावाट का एक नया प्लांट हमारा आ, इस समय कमिश्निंग में है जो कि अगले दो महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि राजस्थान उस पर्टिकुलर ऊंचाइयों को नहीं छू सका मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें पोटेंशियल था सोलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है इसमें किसी भी तरह की पॉल्यूशन नहीं होता मैन पावर एक स्किल्ड मैन पावर एक बड़े अच्छे स्केल में इसमें यूज हो जाती है आई आई टी आई या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो छात्र छात्राएं हैं उसमें बड़े अच्छे पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इसमें लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बनाने में राजस्थान सरकार चूक गई इसमें कोई दो नहीं है राजस्थान सर अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पर उन, उनकी लोकल सरकारों ने एको सिस्टम बना के उनको दिया लैंड की अवेलेबिलिटी दी इसके अलावा कैपैक्स पर सपोर्ट दिया जो सबसे बड़ा सपोर्ट जिसके लिए मैं खुद कई बार यहाँ पे उद्योग मंत्री जी से या अलग अलग डिपार्टमेंटों से मिल आ चुका हूँ उनको उन्होंने स्पेशली सजेस्ट किया और उनको बोला भी कि हमें कैपैक्स या किसी रिलेटेड ऐसे पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे कि जो इंडस्ट्री इनिशियली आए उसको उस टाइम पर हैंड होल्ड मिले तो वह हमारे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती टाइम पे हम उस पॉलिसी को बनाने में चूक गए और इसी का आज ये नतीजा है कि शायद हम इंस्टॉलेशन में तो हिंदुस्तान में नंबर वन है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आज मेरे ख्याल से राजस्थान में गिनी चुनी फैक्ट्री हैं कुछ अब नई आने वाली हैं कुछ दो तीन नई इंस्टॉलेशन अभी अपकमिंग हैं जो कि मेरे को लगता है अगले एक साल के अंदर राजस्थान के अंदर स्पेशली जयपुर और जयपुर के आसपास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन वो भी ओवरऑल जो दूसरी जगह में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका एक बहुत छोटा पार्ट है लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है राजस्थान सरकार अगर क्लस्टर बेस्ड पॉलिसी बनाती है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग को इनिशियली सपोर्ट लैंड के लिए सपोर्ट कैपैक्स में किसी तरह की छूट देती है इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह की अवेलेबिलिटी की छूट देती है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत आ, आ, यहाँ पे कैपैक्स का और नई फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत संभावनाएं हैं रोज़गार बहुत अच्छे पैमाने पे मिलता है अगर हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं अगर कोई भी एक दो मेगावाट की फैक्ट्री अगर मैनुफैक्चरिंग करता है तो डायरेक्ट कम से कम दो लोगों का और इनडायरेक्ट भी दो से प्लस लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो हमारे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होता है इसके अलावा एक मॉड्यूल फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ तेरह या चौदह तरह की अलग अलग एंसिलरीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें सोलर ग्लास मेन सोलर ग्लास नो डाउट एक बहुत बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है वो इतना आसान नहीं है लेकिन इसके अलावा सोलर एल्यूमिनियम फ्रेम हो गए जंक्शन बॉक्सेस हो गए ई हो गए बैकशीट हो गए सिलिकॉन्स हो गए कॉपर्स के जो रिबन हो गए अगर इन इंसेलरी की बात करते हैं तो ये भी छोटी छोटी इंसलरी है कोई भी एस और एम बड़े आराम से इसको लगा सकता है चार से पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आप एक अपनी इंसलरी फैक्ट्री लगा सकते हैं लेकिन ये इको बनाना पड़ेगा और इसके लिए डेफिनेटली सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी राजस्थान के लिए बनानी चाहिए थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तालियां एक्सपेक्ट कर रहे थे मनीष जी के लिए मनीष जी हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह यही बोलते हैं कि आप इंस्टॉलेशन बेस जो बढ़ा रहे हैं उससे किसी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है आज उनकी फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ मिला है तो वो रेगुलर काम कर रहे हैं दूसरा अगर हम एकोसिस्टम बनाएँ और एक क्लस्टर बनाएं जहाँ पर कि एनसिलरीज की, की फैक्ट्रीज भी हों छोटे बड़े सभी लोग काम कर सकते हैं वो एक लॉन्ग टर्म की अप्रोच है ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फैक्ट्री डाली जो मेरी कोई चीज़ जो मैं बना रहा हूँ वो सोलर के काम में आ रही तो वो कहीं और किसी इंडस्ट्री में नहीं आ रही है और वो एक माइंडसेट और वो एक माहौल अलग होता है अगर आप अब अब जैसे सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो रहे हैं ये बात भी सही है लेकिन अगर आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने वाले भी क्या राजस्थान के हैं तो वहाँ पर भी हम आगे नहीं आ, आ, आ सकते हैं कि भाई ठीक है हम ई में ही यहाँ पर हों जो गीगावाट स्केल में जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं वहाँ पे तो जो कंपनी कर रही है मेन वो जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट करती है वो भी जिस लेवल की कंपनी है वैसी कंपनीज भी रा, राजस्थान में नहीं है तो ये एक हार्ड फैक्ट है हमें तो जो कंपनी काम कर रही है उसका सब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी है अब अब एक पॉइंट बहुत अच्छा नोट करने वाला जो मनीष जी ने कहा कि अभी भी समय है ढाका जी ने जैसे कि बोला कि भाई अभी जो पॉलिसी है उसमें हम कुछ चेंजेज और वो सारी चीजें करेंगे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए अगर मैं सोलर पॉलिसी 2019 की बात करूं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई ईडी uh, की छूट मिलेगी जो भी एमएसएमई uh, जो आती है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कोई आता है uh, उनको इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगी ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो जो मनीष जी ने कुछ पॉइंट्स बोले कि वो देना चाहिए वो लिखा हुआ है लेकिन क्या वो मिल रहा है इसी से रिलेटेड मैं बात हाँ थोड़ा सा ऐडअप करना चाहूँगा आप ये देखिए जो लिखा हुआ और उसके प्रैक्टिकलिटी में कितना फर्क है हमने अपना सौ करोड़ का कैपैक्स का एक प्रपोजल डिपार्टमेंट को सबमिट किया और जिसमें हमने उनसे कस्टम बेस्ड मतलब कस्टमाइज पैकेज उनसे डिमांड करी कि सौ करोड़ एंड एब पे राजस्थान सरकार कस्टमाइज पैकेज देती है जो हमारी नई फैक्ट्री आ रही है और उसके बाद हमारा अभी 500 मेगावाट का प्लान है इसके बाद एक 500 मेगावाट का और प्लान है ऐसे करते हुए हमने एक वन गीगाट का पूरा कस्टमाइज पैकेज के लिए उनको दिया तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं उन्होंने हमारे को ये बोला कि आपके उस कस्टमाइज पैकेज में आपकी वर्किंग कैपिटल को नहीं माना जाएगा सिर्फ कैपैक्स और प्लांट मशीनरी को माना जाएगा एज ए सोलर इंडस्ट्री आज किसी से भी हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमारी इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट होती है कैपैक्स और प्लांट मशीनरी के अलावा आज उस प्लांट को चलाने के लिए तो राजस्थान सरकार की जो बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं या जो बैठे हुए टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं तो एक ये पॉलिसीज़ के इतने छोटे छोटे हैंड्रंस हैं जो सरकार अगर इनको एड्रेस करे मैं इसके लिए उद्योग मंत्री से भी खुद मिलकर आया तो उनको हमने ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा लेटर आप दे दीजिए हम इसके लिए बात करते हैं तो फिर उसके बाद हम लेटर का इंतजार किया नहीं हम तो अपने फैक्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ गए और फैक्ट्री हमारी स्टार्ट भी होने वाली है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं जो कि राजस्थान को और स्टेट्स के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग में पीछे कर देती हैं